आज के शानदार और मुबारक दिन से बाल के रूबरू तुम सब एक हुए और सारे खुदावंदों के खुदा की शक्ल में उसकी इबादत करो और अजीज रखो पूरे एतिकाद के साथ जिंदगी और मौत के मालिक की शक्ल में। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। ले जाइए और अपनी मलिका का मन सब अता कीजिए। मलिके आजम के लिए बहुत सारे वली अहद पैदा करो। देवता बाल बादशाह का कुनबा सलामत रहे। बादशाह सलामत रहे। बादशाह सलामत रहे। बादशाह सलामत रहे। मलिके आजम जिंदाबाद। मलिके आजम जिंदाबाद। मलिके आजम जिंदाबाद। मलिके आजम मौजमा जिंदाबाद। मलिके आजम मौजमा जिंदाबाद। मलिके आजम शहंशाह आजम जिंदाबाद। शहंशाह आजम जिंदाबाद। मलिके आजम मौजमा जिंदाबाद। मलिके आजम जिंदाबाद। मैं अपने अजीम खुदा बाल की खिदमत में कुर्बानी नजर करने जाऊंगा, उसका शुक्र अदा करूंगा। उसने हमें बारिश की रहमत से नवाजा है जिससे हमारी फसलों का फरावानी मिलेगी, और उसका भी शुक्र अदा करने जो हमें दुश्मन पे फतेह हासिल हुई। अब हम अमन की जिंदगी के मजे लूटेंगे। मलिक आजम और बादशाह सरफराज, दुआ है कि माबूद की बेटियां तुम्हारे नुत्फे को फैलाने में तुम्हारा तावुन करें बाल के उस कुर्बान गाह पे। ओ माबूद की बेटियां, आओ मिलकर अजीम बर्ल के एहतराम में झूम उठे। Thank you.
मलिका इज़बेल, ये ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने हुक्म दिया है, बाल के सभी काजियों और नबियों के लिए मकानात का बंदोबस्त और शाही महल के अंदर यसीरत का कयाम, ये इसलिए ताकि हम अजीम बाल की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकें, साथ ही हमेशा करते रहें। मलिक आजम व बादशाह सरफराज, बाल के 450 और यसीरत के कुल मिलाकर पूरे 400 नबी हैं। बहुत खूब, दिन और रात की इबादत के लिए इतना काफी है, बहुत अच्छे। हम बखुशी शाही फरमान को अमली जामा पहनाएंगे। सुनो, शराब अपना काम करेगी और इबादत मुर्दा दिलों को ऊंग से आजाद करेगी। बेशक मलिक आजम, यसीरत के कुर्बत बाल की शहवत को यकीनन उजागर करेगी और इंशाअल्लाह ताला यसीरत एक नए खुदा को जन्म देगी। मेरे मखसूस काजी, तुम कोई मामूली काजी नहीं हो। मामूली काजी नहीं, जश्न का आगाज हो। किसने मधु किया तुम्हें हमारे जश्न में? मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम नबी इलिया हो। यहां दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? अपनी जिंदगी का खौफ नहीं आया तुम्हें? मेरा आका याकूब के बेटों की जिंदगियों का मालिक अल्लाह ताला, मैं उसका गवाह। आने वाले सालों में न तो ओस पड़ेगी न एक बूंद मेह बरसेगा अगर मैं न कहूंगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? देखो, आंखें खोल के हर सिमत देखो, उसकी शान व शौकत और उसकी अजमत को गौर से देखो, और फिर अपनी हकीर शख्सियत पर नजर डालो। इलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और फिर मर्द खुदा बनने का दावा करने की? ये अल्फाज नबी याकूब के माबूद अल्लाह ताला के हैं, जिसके कहर को तुमने तुम्हारी जौजा ने नापाक हरकतों से आतिश दी। तुम्हारी ये दलील बेमानी है। क्या तुम नहीं जानते जिसके साथ गुस्ताखी कर रहे हो ता हयात जिंदान में दफना कर देने का हुक्म दे सकता है? चले जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से। तुमने हमारी मलिका की अना को ठेस पहुँचाई है। देवता इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेंगे और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुन रहे हो इलिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। फिर इलिया पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, उठ और यहां से हिजरत कर, जाकर क्रेत के नाले के पास पनाह ले, उसी नाले से पानी पी, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है तेरे लिए खाना मुहैया करने के लिए।
एक लंबा अरसा हुआ बारिश नहीं हुई, पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। हम बाल के सामने अपनी सारी तदबीरें कर चुके हैं, लेकिन ला हासिल। मेरा हुक्म है कि बाल की दरगाह पर नजर व नियाज जारी रहे। अक्सर देवता हमारी इबादत से मुतमईन नहीं होते, पुरजोर कोशिश न करने पर उनका गुस्सा गजबनाक हो जाता है। एलिया का कुछ पता चला? नहीं एलिया। कहाँ गायब हो गया वो? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, जान से मार दूंगा उसे। वो मंजर अच्छा नहीं होगा, सुनते हो तुम? बड़ा खतरनाक होगा वो मंजर। फिर इलिया ने अल्लाह की हिदायत पर मिनोअन अमल किया और क्रेत के नाले के पास रहने लगा। कौवे रोज सुबह और शाम उसके लिए गोश्त और रोटी लाते और वो नाले से पानी पीता था। सहमे हुए लोगों में चिमगोइयां होने लगी हैं। देवता का गुस्सा ठंडा नहीं होगा जब तक कीमती नजर और बड़ी कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी। कुछ दिनों के बाद ही क्रेत का नाला भी सूख गया, क्योंकि बारिश का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। खत्म हो गया, हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। मैं और मेरा कुनबा पूरी तरह से मौसम पर मुनसर था। सल्तनत के सारे काजी लगातार इबादत कर रहे हैं, बादशाह के हुक्म से बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। हाँ हाँ, हमें पानी चाहिए। अल्लाह ताला के अल्फाज इलिया पर फिर नाजिल हुए, उठ और सैदा के सारपत को जा, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। बराए करम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। आपकी अल्लाह की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। अल्लाह ताला मुझसे कहता है, आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक अल्लाह मेह नहीं बरसाएगा।
मैं तुम्हारे साथ आता हूँ अल्लाह का करम देखने के लिए। शुक्रिया मेरे बच्चे। ये तो मेरा फर्ज था। मेरी आका इलिया, हमारे घर में आटा तेल कितनी मुद्दत तक रहेगा बताइए ना? जब तक आसमान में मेघ नहीं बरसेगा। बहुत दिन हो गए पानी तो नहीं बरसा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा अल्लाह ताला के मुझसे किए गए कलाम के मुताबिक। क्या तुमको अल्लाह पर यकीन है? हाँ मेरी आका इलिया, मुझे पूरा यकीन है। मेरे बच्चे पर अल्लाह के रहम की बारिश हो। लो ये लो। शुक्रिया। मेरे आका इलिया, बराए करम उठो मेरे आका। मेरा बेटा, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं नबी इलिया? क्या तुम मेरे गुनाहों को फाश करने और मेरे बेटे की जान लेने आए हो? नेक बीबी, अपना बेटा मुझे दो। जिसे खुद मेरी परवरिश के लिए मुकर्रर किया था, उस बेवा के दिल पर क्यों अपना कहर नाजिल कर रहा है? उसके बेटे को मौत देकर मेरे अल्लाह इस बच्चे की जिंदगी इसे लौटा दे, इस बच्चे की जिंदगी इसे लौटा दे मेरे रब, मेरे माबूद, मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। शुक्रिया मेरे माबूद, शुक्रिया अल्लाह तबारक व ताला, फकत तू ही है हम्द व सना के काबिल। तूने मेरी दुआ सुनी, तूने मेरी दुआ कबूल की, तूने मेरी दुआ सुन ली, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे महबूद। आओ आओ मेरे बच्चे, आओ। देखो नेक बीबी, तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा, ओह, मुझे यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया, तुम अल्लाह के नबी हो और तुम्हारी जुबान से निकला हर लफ्ज अल्लाह की मानन हक है। आज मुझे जाना होगा, बादशाह अहब से मिलने वापस जाना होगा। मगर क्यों? अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह बहुत जल्द इतना मेह बरसाएगा कि ये जमीन फिर से जी उठेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, वही है तारीफ के काबिल। अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल रखे। शुक्रिया इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा तुम दोनों ने। अल्लाह की मर्जी से अपना फर्ज अदा किया। काश मैंने अल्लाह के नबी का उस तरह एहतराम किया होता जैसा करना चाहिए था। तुमने पूरे एतकाद और सब्र और खुलूस के साथ मेरी खिदमत की है, मेरा अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। खुदारा, बराए करम हमें छोड़कर मत जाओ नबी इलिया। मुझे अल्लाह के हुक्म की तावील करनी है मेरे बच्चे। नहीं नहीं, नबी को जाने दो मेरे बेटे।
इसी में हमारी और सबकी फलाह और बहबूद है। तुम एक अकलमंद औरत हो। अल्लाह आपके साथ है और मैं जानती हूँ कि मैं बरसेगा क्योंकि अल्लाह ने आपसे फरमाया है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या ये तुम हो आका इलिया? हाँ मैं इलिया ही हूँ। जाओ खबर दे दो बादशाह अहब को कि मैं आ गया हूँ। मैंने क्या गुनाह किया है कि तुम मुझे वापस अहब के सामने भेज रहे हो, वो भी ऐसी खबर के साथ? वो मुझे कत्ल कर देंगे। अहब ने तुम्हें खुद हर जगह तलाश किया, फिर तमाम लोगों को भेजा तुम्हारी तलाश में, जिन्होंने वापस आकर कहा कि हमें नहीं मिला वो। इसीलिए अगर मैं अब जाकर बादशाह को खबर दूंगा कि तुम यहाँ हो तो मुझे कत्ल कर देगा। उस हय्यु कय्यूम की कसम, मैं जिसके रूबरू खड़ा हूँ, मैं यहीं रुककर आज अहब का मुकाबला करूँगा। मुझे याद करो, जब इज़बेल ने अल्लाह के नबियों का कत्लेआम शुरू किया तो मैंने 100 नबियों को 2 गुफाओं में छुपा कर उनकी जान बचाई। इसलिए यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी से वाकिफ हूँ। जाओ, मैं यही इंतजार करता हूं। तुम मेरे इस मुल्क के दुश्मन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ही वजह से मेरी तमाम रियाया पर भारी मुसीबतें टूटी और तुम बरसों के लिए गायब हो गए। तुम तुम्हारे बाप के कुनबे ने रियाया पर जुल्म ढाया है और अल्लाह के अहकाम को फरामोश कर दिया है और एक बुत बाल के सजदे कर रहे हो। इलिया, खैर छोड़ो, तुम यहां वापस क्यों आए? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम सारी रियाया को कोहे करमल पर इकट्ठा करो और अपने पत्थर के माबूद बाल के 450 नबियों को बुलाओ और साथ ही बुलाओ 400 यसीरत के नबियों को भी, जो इस बेल के दस्तरखान पर दावतें उड़ाते हैं। ये लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? तुम सब देखोगे और समझ जाओगे। मैं तुमसे पहले कोहे करमल पहुंच जाऊंगा और सारी रियाया मुझे वहां देखेगी। अबैदिया को आजाद करना मत भूलना। कब तक तुम लोग दो ख्यालों के बीच उलझे रहोगे? अगर अल्लाह खुदावंद है उसकी इबादत करो, अगर बाल है तो उसका सजदा करो। दो बैल यहां ले आओ। पहले बाल के नबियों को एक बैल मुंतखिब करने दो, उसे जबह करो और लकड़ी के ढेर पर रखो बगैर आग जलाए, और मैं दूसरा बैल अल्लाह की नजर करूंगा बगैर आग जलाए। अब बाल के नबियों को अपने माबूदों को पुकारने दो और मैं अपने रब अल्लाह को पुकारूंगा, जिसका रब चढ़ावे पर आग बरसाकर जवाब देगा।
वही सारी कायनात का हकीकी माबूद है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ इलिया। मेरे करीब आओ। अपने चार मटके पानी से भर लो और उन्हें ज़बीहा और लकड़ी के तोदे पर छिड़को। आज दुनिया को जानने दो कि तुम ही कायनात के हकीकी रब हो और मैं तुम्हारा खादिम जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे हुक्म से किया है। मुझसे कलाम करो या अल्लाह, ताकि लोग मालूम हो जाए कि तू ही रब्बुल आलमीन अल्लाह है। पकड़ो माल के नबियों को, उनमें से एक भी बचकर जाने ना पाए। उन्हें सून के नाले में ले जाओ और कत्ल कर दो। जाओ सामने समंदर को देख कर आओ। वहां कुछ नहीं है मेरे आका। जाओ और देखो। कुछ भी नहीं है मेरे आका। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, जाओ गौर से देखो। मेरे आका, सातवीं बार मैं जाकर आया हूं। जानता हूं मेरे बच्चे, जाओ फिर से देख कर आओ। जाओ जाओ फिर से देख कर आओ। जाओ। मेरे आका, आदमी के हाथ जितना छोटा बादल का टुकड़ा समंदर के बाहर निकल रहा है। जाओ और अहब से कहो अपने रथ पर सवार होकर नीचे उतर जाए, इससे पहले कि तूफानी बारिश उसे अपनी चपेट में ले ले। अरे शहर, मुझे बताइए ये आसमान कैसे फट पड़ा? इस करम के लिए बाल तारीफ का मुस्तहिक है। अपने नतीजे अखज मत करो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आपका लहजा मुझ पर नागवार गुजरा लीजा। हादसा, शदीद किस्म का हादसा। हादसा? कैसा हादसा बोलिए।
मुझे बताइए क्या हुआ। बहल के सारे नबी मारे गए, मुर्दा हो गए सब। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? एलिया ने शर्त जीत ली जो एलिया और बहल के नबियों के बीच लगी थी। इब्राहिम, याकूब और इसहाक के रब अल्लाह ने एलिया की दुआ कबूल कर ली। आसमान से शोले लपके जमीन पर और एलिया के चढ़ावे को सबके सामने राख कर डाला। और दूसरी तरफ बहल ऐसा ना कर सका। तुमने उस कत्लेआम को रोका क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं किया? कुछ नहीं, बहल ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? मेरे नबियों को क्यों कत्ल किया गया आखिर, क्यों? क्योंकि एलिया ने हुक्म दिया कि उन्हें पकड़कर भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाए। और तुम बादशाह, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोका तुमने यह खुरेस कत्लेआम, क्यों नहीं रोका? मैं? सब चीख चीख कर कह रहे थे कि एलिया का रब ही अल्लाह है, एलिया का रब ही अल्लाह है, एलिया, एलिया, एलिया का रब ही अल्लाह है। सारी रियाया एलिया की तरफ चली गई और वही कर रही थी जो एलिया उनसे कह रहा था। जब बल कुछ ना कर सका तो मैं क्या करता? मेरे देवता मुझे एक अजियतनाक मौत दें अगर मैं कल इस वक्त तक इलिया को कत्ल न कर दूं। जाओ, उठो, जाओ, आगाह कर दो उसे इस बात से। जाओ, इंतजार किस बात का? जाओ, जाओ। बस हमारा साथ यहीं तक था। आगे भी साथ आ सकता हूं मैं? नहीं नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। काफी देर हो सकती है मुझे। फी अमानिल्लाह, अलविदा। जानते हो अल्लाह मुझसे कलाम करता है, वही है जो मुझे रास्ता दिखाता है। या अल्लाह, मुझे जिंदगी से आजाद कर दे क्योंकि मैं अपने आबाओ अजदाद से बेहतर नहीं हूं। उठो और खाओ क्योंकि आगे काफी बड़ा मुश्किल सफर है। Oh.
उस बाघ को मायूस नजरों से क्यों देख रहे हो? मैं उसे अपने बागात में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन नाबूद उसे बेचने से इनकार करता है। कहता है उसके बाप दादा से उसे विरसे में मिला है। हो सकता है ज्यादा का लालच हो उसे, जो मांगे दे दो ना। नहीं, वो उसे अकीदत के साथ देखता है और समझता है कि विरसे की जायदाद बेचना अल्लाह के साथ बदसलूकी होगी। ये अल्लाह से बदसलूकी होगी? क्या नाबूद अल्लाह की इबादत करता है? फिक्र मत करो प्यारे, मामला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अच्छी तरह सुलझा दूंगी। ऐश करो, मैं तुम्हें नाबूद का बाग अता करूंगी। कैसे? सोचो मत, सिर्फ मुझे थोड़ी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए बाग का बंदोबस्त। मेरे लिए बाग का बंदोबस्त? कैसे? मैं शहर के बुजुर्गों की एक मजलिस बुला रही हूँ। बुजुर्गों की इस मजलिस का मकसद क्या है? तुम क्या सोच रहे हो? नाबूद के खिलाफ साजिश। बिल्कुल सही। लेकिन वो एक अच्छा शहरी है। अच्छा शहरी? लेकिन उसने आपको बाग बेचने से इनकार किया। हाँ, ये सच है, उसने मुझे इनकार किया था। मैंने सब तैयार कर दिया है मेरे प्यारे। दो झूठे गवाह भी नाबूद के खिलाफ तैयार, और मेरे शहरी बुजुर्ग दोस्तों का फैसला भी, नाबूद को संसार किया जाएगा। वाह, क्या ही अच्छी साजिश। क्यों, क्या ख्याल है? नबी इलिया कोहे होरेब के गार में थे जब अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया। तू यहां क्या कर रहा है? मेरा दिल गैरत से भर गया है अल्लाह ताला। याकूब के बेटों ने तेरे अहद को तर्क कर दिया, तेरे मजबा को तोड़ फोड़ डाला और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल कर डाला। अकेला मैं बच गया हूं, मुझे भी कत्ल करने के दर पे हैं। चलो बाहर निकलो और मेरे रूबरू खड़े हो जाओ। तभी एक तुंद आंधी आई जिसने पहाड़ों को चीर डाला, चट्टानों को रेजा रेजा कर दिया, लेकिन अल्लाह उसमें नहीं था। तेज आंधी के बाद एक जलजला आया, लेकिन अल्लाह जलजले में नहीं था। जलजले के बाद शिद्दत की आग भड़की, लेकिन अल्लाह आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई आवाज आई, जिस रास्ते आया है उसी रास्ते वापस जा और इलीशा पर अपनी चादर डाल, जो साफित का बेटा है और तेरी जगह नबी होगा। इसराइल में मेरे 7,000 बंदे महफूज हैं, उन्होंने बल के सामने घुटने नहीं टेके, ना ही उन्होंने उसके नापाक मुंह को चूमा है। मुझे अपने वालदेन को अलविदा कहने दे, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। लौट जा, मैंने तेरे साथ किया क्या है? अब्बा, अम्मा, नबी इलिया ने मुझ पर अपनी चादर डाली है, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने याकूब के सभी बेटों पर मुझे नबी मुकर्रर किया। जाओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का हमेशा मुहाफिज रहे। जाओ।
दोनों गवाहों ने जो कहा, क्या तुमने सुना? हाँ मैंने सुना, लेकिन अल्लाह की हयात की कसम मैंने कोई कुफ्र नहीं किया। दो गवाह, दो, दो। मैं बेकसूर हूँ, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की। नहीं, तूने खुदा बाल के बारे में कुफ्र बका है। कानून की रोह से तुम हो कसूरवार। मैं बेगुनाह हूँ, ये दोनों सच नहीं बोल रहे। बादशाह की शान में गुस्ताखी और खुदा बाल के हक में कुफ्र बकने के जुर्म में तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। झूठे हो, झूठे हो तुम। क्या तुम कल बाल के घर जाकर परस्तिश करना चाहोगे? क्या वहाँ कुछ नई लड़कियाँ आई हैं? बाल मंदिर के खिदमत के बहाने मैं कुछ किसान लड़कियाँ खींच सकती हूँ। फिर तो मुमकिन है। तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील में ही मेरी खुशी है। क्या खुशखबरी है? नाबूद की मौत हुई। मौत? तुम्हारे लिए एक तोहफा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती थी तुम्हें खुशी होगी। इसे मेरे पास रहने दो। क्यों नहीं, जरूर आओ, इधर आओ, लो संभालो। तुम्हें यहीं मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्यों मेरा आका? अहद बादशाह को लेकर अल्लाह ताला ने फिर एक बार मुझसे कलाम किया है। अब उसने क्या किया है? एक बेकसूर को कत्ल करवाकर उसकी मिल्कियत पर कब्जा कर लिया। अल्लाह ने मुझे उससे बात करने के लिए कहा है कि क्या तुमने कत्ल करवाया और मिल्कियत पर कब्जा किया। और अल्लाह ने मुझे उसे ये भी बताने को कहा है कि जिस जगह कुत्तों ने नाबूत का खून चाटा उसी जगह कुत्ते तुम्हारा भी खून चाटेंगे। आका महफूज तो रहेंगे ना? वो जो नबी की हैसियत से जीता है, नबी की हैसियत से मरने को भी तैयार रहता है। मेरा सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मैं यहीं रुकता हूँ। अल्लाह हाफिज मेरे आका। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चे। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। इंशाअल्लाह। उसे अपने कुनबे के बारे में सोचना चाहिए था अपनी मिल्कियत मेरे हाथ बेचने के इनकार से पहले। बादशाह अहद, ये तुमने क्या किया? नाबूद कहाँ है? उसका बाग तो यही है। तो तुम मुझ तक पहुंच ही गए मेरे दुश्मन। बेशक तुम हमेशा मेरी पहुंच में थे, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की निगाह में गुनाह किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करूंगा, तुम्हारी नस्लों का सफाया कर दूंगा और इसराइल में इस बैल के जिस्म को कुत्ते नोच खाएंगे। मलिका के लिए ऐसे अल्फाज उगलने की तुमने जरूरत कैसे की? अगर उसने ये अल्फाज सुन लिए जो तुमने इन दो गवाहों के सामने बके, तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तुमने पूजा की है इरामियों के बुतों और बाल की, जिन्हें अल्लाह ने याकूब की सरजमीन इसराइल से निकाल फेंका था। तुम एक बेशरम गलीज इंसान बन गए हो, एक चलता फिरता मकबरा। मैंने अल्लाह की निगाह में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझसे दूर चले जाओ।
इलिया ने इसको पागल बना दिया है। क्या तुम्हें अंदाजा है क्या हो रहा है? आप तुम बादशाह हो, अपनी खोई हुई शान शौकत वापस हासिल कर सकते हो। मैं हंगामी हालात और बाल के गाजियों में इंतजार बपा कर दूंगी। नकारों की आवाज तुम्हारे जहन को फिर से ताजा दम कर देगी। तुम्हारे दिल को शगुफ्तगी बख्शेंगे पूजा की रस्म अदा करते, थिरकते लहराते जवान जिस्म। अब कोई बाल नहीं, कोई बदकारी नहीं। खादिम, खाना खाया क्या इसने? नहीं मलिका, खाने से इनकार कर दिया। छोड़ दो, भूख वो काम कर दिखाएगी जो हम नहीं कर सकते। अल्लाह से आला कौन हो सकता है? एलिया ने अपनी सच्चाई से मुझे मकलूब किया, मुझे मेरी असली शक्ल से रोशनास करा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आका। एलिया ने नाबूत के साथ की गई नाइंसाफी पर मुझे फटकार लगाई। नाबूद, 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 नाबूद बेकसूर था, नाबूद मासूम था। उस पर फैसला एक फरेब था, झूठ था, जुर्म था। मुझे अहब से जाकर मिलना चाहिए। अब उसने क्या किया है मेरे आका? जिंदगी में पहली बार उसने हक के सामने अपना सर झुकाया है, और क्योंकि वो सच्चे दिल से सरनिगू हुआ है, अल्लाह उसकी बादशाहत में उस पर कोई बड़ा अजाब नाजिल नहीं करेगा। लेकिन उसकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। और इज़बेल, उसका क्या? इज़बेल बादशाह के बगैर मलिका का वजूद बेमानी। अहब के राहे रास्त पर आने के बाद उसने 3 साल और हुकूमत की। तीसरे साल में उसने यहूदा की सल्तनत के साथ समझौता करना चाहा, ताकि सीरिया के बादशाह आराम से जंग छेड़ सके। अहब ने बल के नबियों से मशविरा किया, जिन्होंने उसे फतेह का यकीन दिलाया। लेकिन अल्लाह का एक नबी जिसका नाम मिकाया था, उसने अकेले फरेबी नबियों और उनके झूठे दावों की तर्दीद की, और ये सच्चाई मंजरे आम पर लाया कि अहब जंग में मारा जाएगा। जिस जगह कुत्तों ने नाबूद का खून चाटा, उसी जगह कुत्ते तुम्हारा भी खून चाटेंगे अहब। इससे पहले कि अल्लाह मुझे उठा ले,
तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अपने से दुगनी हिम्मत और हौसले की दुआ दीजिए। काफी मुश्किल चीज मांग रहे हैं। बस इतनी ही चाहत है मुझे। बगौर सुनो इलिशा, अगर तुम मुझे देख सको जब मैं उठाया जाऊं तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। आप जानते ही हैं कि आखिरी दम तक मैं आपके साथ रहूंगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे आखिरी लम्हे तक तुम मेरे साथ रहो। आज के शानदार और मुबारक दिन से बाल के रूबरू तुम सब एक हुए और सारे खुदावंदों के खुदा की शक्ल में उसकी इबादत करो और अजीज रखो पूरे एतिकाद के साथ जिंदगी और मौत के मालिक की शक्ल। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद।